मेवाड़ व उत्तर गुजरात के आदिवासी युवा हुए लामबंद। गुजरात के आदिवासी व मेवाड़ के आदिवासी युवाओं ने अलग अलग गांवों से आए यहां चित्र विचित्र महादेव मंदिर पर एकत्र हुए, जहां युवाओं की मौजूदगी में विदेशी षड्यंत्र के तहत ईसाई मिश्रण द्वारा गरीब व अशिक्षित भोले भाले आदिवासी समाज को तोड़ने वाले के लिए आदिवासी समुदाय में धर्मांतर का कार्य तेजी से चल रहा है। वहीं लोग हमारे आदिम जाति देवी देवताओं की पूजा पद्धति, साधु संतों के भजन कीर्तन संस्कृति एवं रीति रिवाज को नहीं मानने के लिए जबरन बाध्य कर रहे हैं। जबरन जोहार अभिवादन स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जबकि हमारा समाज पूर्वज आदिकाल से राम राम जय गुरु जय सीताराम बोलता आया है। वहीं समाज सुधारक समिति ने धर्म परिवर्तन कर चुके ऐसे आदिवासियों को अल्पसंख्यक और आदिवासी समुदाय का दोहरा लाभ लेने पर इन्हें संविधान प्रदत्त आरक्षण व आदिवासी समाज को मिलने वाली सभी सुविधाओं से वंचित करने के लिए राज्यपाल व राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा। जो जय जोहर आया है, तब से हमारे एरिया में जो बाप दादा की परंपरागत जो संस्कृति चली आ रही है जो कि राम राम है, तो ये लोग अभी बता रहे हैं कि राम राम नहीं बोलने का, जय जोहर बोलने का। तो अब हमारा इतिहास तो वैसे कोई कागजात पे लिखा नहीं है, हमारा इतिहास सिर्फ सिर्फ लिखा है तो वार्तालाप में लिखा है और गानों में लिखा है, गीतों में, लोकगीतों में। तो हम उसी के मुताबिक चलते हैं। अब ना हमारा कोई धर्म से वैसे तो संविधान में लेना देना है, लेकिन फिर भी हमारी संस्कृति सदियों से जुड़ी हुई है, संविधान बनने से पहले जुड़ी हुई है, तो उसी मुताबिक हम चलते हैं। और हम ये राम राम कोई हमने पैदा नहीं किया है, हमारे बाप दादा ने पैदा नहीं किया, ये हमारे पूर्वजों ने सदियों से दिया हुआ है संस्कृति में वारसागत। उसी को लेकर हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारी संस्कृति को मिटा ना सके। हमारे पूर्वजों ने जो भी दिया है, अभी देव है, यो है, ते है, सब हिंदू धार्मिक देवता भी हमारे अंडर में आते हैं, जो आदिवासी संस्कृति में प्रकृति पूजा में भी आते हैं, तो हम उसी को पूजते हैं। लेकिन ये लोग बोलते हैं कि हम मूर्ति पूजा नहीं है, हम हिंदू नहीं है। भले संविधान के दायरे में हम हिंदू नहीं है, लेकिन जो हमारी परंपरागत संस्कृति में आते हैं, संविधान से पहले से आते हैं, और उसी को हम पूजते हैं। और ये लोग नई नई मिसरियाँ जो जय जोहर के पीछे लगी हुई है और मिटाने का काम करती है, और कुछ नहीं है, यही है हमारी लड़ाई। बाकी तो संविधान के दायरे में हम लड़ने के लिए तैयार हैं। जोहर ईसाई मिशनरी वाले जो भ्रमित प्रसार कर रहे हैं, हम सब आदिवासी भील एकजुटता से इसको लड़ाई लड़ेंगे। और हम हमारे जो 33 करोड़ देवी देवता की पूजा होती है हमारे हिंदू धर्म में, और हमारे आदिवासी पूर्व से परंपरा से पूजते हुए आए हैं, और ये लोग हमारे देवी देवताओं की संस्कृति का विरोध करते हैं। इसलिए हम सब एकजुट होकर इन भ्रमत्कारी और षड्यंत्रकारी मिशनरी और साजिश के तहत हम लड़ते रहेंगे। आज हम सभी राजस्थान और गुजरात के जनजाति आदिवासी युवा गुण बाकरी महादेव मंदिर, जो कि हमारी आस्था का केंद्र है, महादेव मंदिर जहाँ पे आदिवासी पूजा करते हैं, हमारे आदिवासियों का मंदिर है। यहाँ पे हमारे पूर्वजों की अस्थियाँ, जो हमारे पूर्वज मर जाते हैं, हमारे बाप दादा मर जाते हैं, उनको हम गंगा जी समझ के यहाँ पे तर्पण करते हैं। आज ये हमारे गंगा जी जैसा पवित्र स्थान है। यहाँ पे हम हमारे हक की लड़ाई के लिए, जय जोहर वालों के खिलाफ लड़ाई के लिए, ईसाई मिशनरियों के खिलाफ लड़ाई के लिए राजस्थान और गुजरात के युवा बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं, और सबका यही निर्णय है कि आज के बाद में हम गुजरात राजस्थान मिलके इस लड़ाई को लड़ेंगे, और हमारे बाप दादाओं की जो संस्कृति है उसको ईसाई मिशनरियां और जय जोहर वाले नक्सलवादी जो खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको हम संविधान के दायरे में रहकर गुजरात सरकार से ज्ञापन देंगे, और हम मंत्रियों से भी मिलने की कोशिश करेंगे। हमारी यही आज निर्णय हुआ है, और हम इस बात को आगे तक लेके जाएंगे।
और हमारे युवाओं में, गुजरात राजस्थान के युवाओं में बहुत बड़ा रोष है। और हमारी मांग है, गुजरात के राज्यपाल से मांग है और भारत के राष्ट्रपति महोदय से मांग है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मांग है कि संविधान में संशोधन किया जाए और हमारे जो जनजाति आदिवासियों का जो लाभ, ईसाई मिशनरी जो हमारे आदिवासियों के अंदर ईसाई हो गए हैं, जो नक्सली है, हमारे देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, वो हमारा लाभ उठा रहे हैं, उसको हमारे अंदर से अलग किया जाए, हमारे लाभ से उनको अलग किया जाए और हम जो असली आदिवासी हैं, परंपरा से पूजा पद्धति रीति रिवाज हमारे बाप दादाओं की मानते आ रहे हैं, उनको हमारा आरक्षण का, अनामत का असली लाभ दिलाया जाए। ये हमारी मांग है, इसको लेके ही हम सब इकट्ठे हुए हैं और हमारे लाभ से इनको बिल्कुल अलग किया जाए। हमारे लाभ का ये फायदा ले रहे हैं और देश और समाज के विरोध में ये षड्यंत्र कर रहे हैं और ये हमारे देश को खोखला कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय आदिवासी।